हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन आतंकियों के निशाने पर है। जगाधरी रेलवे स्टेशन पर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की ओर से भेजे गए एक पत्र ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद हराम कर दी है। पत्र के मिलते ही रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। ऐसे में ये पत्र जुगादरी रेलवे स्टेशन के साथ साथ कई रेलवे स्टेशनों पर गई है, जिन पर अब रेलवे पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ये पत्र जो आया है गोपनीय है, इस और इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी हो गई है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा देखेंगे, अभी तो सुरक्षा का मामला है। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, हम कर रहे हैं वो सारी चीज। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर जुगादरी रेलवे स्टेशन पर एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का नाम लिखा गया है। पत्र मिलने की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ अन्य रेलवे स्टेशनों को भी अलर्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पत्र में हरियाणा के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल रेलवे पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। अम्बाला कैंट, जगाधरी, कुछत्तर, करनाल, पानीपत स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके मद्देनजर RPF और GRP द्वारा ये ज्वाइंट चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। और हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि त्यौहार के सीजन में यात्री सुरक्षित घर जाएं और हरदम हम इनकी सेवा में समर्थ रहें। यहाँ पर लगातार चार टीमें आयोजित की गई है, जो गाड़ियों में और रेलवे स्टेशन पानीपत पर और अन्य जगहों पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया है और लगातार चेकिंग अभियान जारी है। लश्कर तैयबा की तरफ से हरियाणा में कुछ धमकी भरा पत्र मिला है, भी बम से उड़ाने की जो धमकी है उसके बारे में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पे GRP की चार टीमें बनाई गई और RPF की भी अलग अलग टीमें बनाकर रेलवे स्टेशन पर भेज दी गई। पत्र में लश्कर ए तैयबा का नाम देख सुरक्षा एजेंसियां इसकी हर एंगल पर जांच कर रही है कि कहीं वाकई में तो ये पत्र आतंकी संगठन की ओर से तो नहीं भेजा गया या फिर किसी शख्स ने शरारत की है। धमकी भरे पत्र में यमुनानगर, अम्बाला कैंट, पानीपत सहित हरियाणा के कई रेलवे स्टेशनों को दिवाली के दिन बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यही नहीं, रेलवे स्टेशनों के साथ साथ कई धार्मिक स्थलों पर भी धमाके करने की बात कही गई। धमकी भरा पत्र मिलते ही खुफिया एजेंसियां चौकस हो गई है। वहीं GRP और RPF ने स्टेशन पर गश्त बढ़ा दी है, जबकि स्टेशन की सुरक्षा को भी पुख्ता किया गया है, ताकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। अम्बाला से नरेश सैनी, यमुनानगर से सुनील कुमार, पानीपत से सुमित भारद्वाज, सूर्य समाचार।